नमस्कार साथियों, मैं सोनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पे डेली इस टाइम पे MCQs हिंदी की MCQ सीरीज लेके आ रहे हैं और आपके लिए सभी MCQ विषयों की MCQs लाई जा रही है, जिसमें आने वाली परीक्षाओं के लिए यूपी पुलिस और लेखपाल के सभी विषयों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर पा रहे होंगे, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में हमें किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े और अच्छे से हम अपने मार्क्स गेन कर पाएं। तो इसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी होगी, सभी विषयों की प्रैक्टिस और सभी पर ध्यान देना होगा। इस टाइम पर हम जो MCQs लेकर आ रहे हैं वो आपके लिए हिंदी की MCQs फ्री MCQ सीरीज होती है यूट्यूब पे। तो चलिए फिर आज के MCQs में स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम आईडी, आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, सिलेक्शन मेंटर के नाम से आप हमें यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं अगली क्लास, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो हमारा सर्वनाम है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो सर्वनाम का फर्स्ट पार्ट है, सर्वनाम का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसने भी पिछले वीडियोस में हमने वर्णमाला कवर किया, संज्ञा कवर किया, सर्वनाम का फर्स्ट पार्ट कवर किया, तो जिसने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हों प्लेलिस्ट पे जाके पिछले वीडियोस वॉच करिए और आगे के वीडियोस को पाने के लिए हमें फेसबुक पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम आईडी से जुड़िए और टेलीग्राम से जुड़िए। तो चलिए फिर इसके साथ ही आज की सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें सर्वनाम के सेकेंड पार्ट के महत्वपूर्ण उदाहरण और महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। चलिए फिर देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आपको जो दिया है, कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में तुम कौन सा सर्वनाम है, इस वाक्य में तुम कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शंस दिए हैं आपको, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, कुल भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। लेकिन जब भी हमसे सर्वनाम शब्दों की संख्या पूछी जाती है कि सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, तो सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है, लेकिन सर्वनाम के जो भेद हैं वो 6 होते हैं और सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है, जिसमें मैं, हम, तुम, हमारा, उसका, ये सारे शब्द आते हैं। तो टोटल सर्वनाम शब्द 11 होते हैं और सर्वनाम के भेद अगर हमसे पूछे जा रहे हैं तो वो 6 होते हैं। इसमें जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि हमने एक भेद देखा था जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम भी सर्वनाम का ही एक भेद है, लेकिन इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिसमें उत्तम में जैसा कि हम देखते हैं कि हम अपनी बात कर रहे होते हैं, जिसमें मैं या मेरा, मेरी, इस तरह के शब्द आते हैं। मध्यम में हम श्रोता मतलब सामने वाले की बात कर रहे होते हैं, जिसमें तुम, तुम्हारा, ये सारे शब्द आते हैं। और अन्य में किसी ऐसे व्यक्ति की बात हो रही हो जो यहाँ पर उपस्थित ना हो, उस अन्य की बात हो रही हो, जैसे वह, उसका इत्यादि शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। आपको बताना है कि जो तुम है वो, तो जैसा कि हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा, आशा है आप सभी समझ पा रहे होंगे कि जो तुम है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक उदाहरण है, तुम, क्योंकि हम श्रोता की बात कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए तुम क्या है, तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा।
तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, 6 भेद में, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद देखे, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये 6 भेद होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मुझे की बात की गई है, इसका मतलब पुरुषवाचक का ही कोई भेद होगा, जिसमें पुरुषवाचक के भी हमने देखा कि 3 भेद है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम में वो होता है जिसमें मैं, हम या अपनी बात कर रहे होते हैं, मैं या मेरा, इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर मुझे दिया है, तो मुझे अपनी ही बात हो रही है, मतलब वक्ता की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर मुझे जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद होगा। मैंने आपको पुरुषवाचक में भी ये बता दिया है कि पुरुषवाचक का अगर यहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक दिया होता तो फिर हम उत्तम पे मार्क करते, तो इसलिए मुझे जो है पुरुषवाचक का ही एक भेद है, पुरुषवाचक का, उत्तम पुरुषवाचक। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, मतलब यहाँ पर किसी ऐसी चीज की बात की जा रही होगी या फिर कोई ऐसा शब्द दिया होगा जिससे हमें निश्चितता का बोध हो रहा होगा, जिससे निश्चितता का बोध हो रहा होगा, निश्चितता का पता चल रहा होगा कि अगर कोई चीज निश्चित है तो वो निश्चितता का पता कर पा रही होगी। इसमें बताइए कि ऑप्शन नंबर ए है कौन, बी क्या, सी कुछ और डी यह। जल्दी से बताइए किसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जो निश्चयवाचक सर्वनाम का ही एक उदाहरण हो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर यहां पर आपको कोई भी उदाहरण दिया है, यह यह पेन, यह पेन मेरा मेरा है, यह पेन मेरा है, तो अब इसमें जो पेन है वो किसकी बात हो रही है कि जो यह पेन है, जो यह पेन है, इसका मतलब कि पेन जो है वो निश्चित है कि यह पेन ही किसका है, मेरा है। तो पेन के बारे में निश्चितता का पता चल रहा है। और जैसे कि ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन क्या, तो कौन तो आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में, क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ पता नहीं है, तो जो यह शब्द है, यह शब्द है वो, यह शब्द निश्चयवाचक का उदाहरण है, निश्चयवाचक सर्वनाम का ही एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चय, पिछले प्रश्न में हमसे निश्चयवाचक का उदाहरण पूछा था, इस प्रश्न में हमसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण पूछा है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन है कौन, जो, वह या कोई। दिए गए में उदाहरण में कौन सा ऑप्शन अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो सर्वनाम के कई सारे उदाहरण होते हैं, जिसमें उदाहरण के अनुसार हमें भेद बताना होगा कि किस भेद का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण होगा, जिसमें निश्चित ना हो अनिश्चयवाचक का कौन सा उदाहरण होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कौन है, कौन, इसका मतलब ये पता नहीं है और हम कौन पूछ रहे हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक में आता है। जो, तो जो और सो जैसे जो शब्द होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण होते हैं। जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण होते हैं। वह जो है वह एक अन्य पुरुष, मतलब पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुषवाचक का भेद होता है। लेकिन जो कोई है, हमें निश्चित नहीं है कि वो कोई किसकी बात हो रही है, कोई ये निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। और ऐसे उदाहरण जो निश्चित नहीं होते किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए, वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। देखते हैं अब
अगला प्रश्न क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम का विकारक शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से सर्वनाम का विकारक शब्द कौन सा है, जल्द से बताइए। ऑप्शन दिए हैं लिंग, वचन, कारक या फिर तीनों, लिंग, वचन, कारक या फिर तीनों। आशा है आप सभी को ये डेली एमसीक्यूज के प्रश्न बहुत पसंद आ रहे होंगे और चैनल को लाइक शेयर करिए जिससे कि आने वाले समय में और अच्छे से अच्छे प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लाई जा सके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम का जो विकारक शब्द है, इसे पूछा है कि संज्ञा जो है, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण, ये चारों ही विकारी शब्द होते हैं, ये चारों ही विकारी शब्द होते हैं। कैसे होते हैं ये सभी शब्द, कैसे होते हैं, विकारी होते हैं, कैसे होते हैं, विकारी। और विकारी वो होते हैं जिसमें लिंग, लिंग, वचन और कारक, वचन और कारक इन तीनों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। तो जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं वो अविकारी माने जाते हैं, लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए ये चारों ही कैसे होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। इसमें पूछा है कि सर्वनाम का विकारक, तो विकार तभी उत्पन्न होगा जब या तो लिंग के अनुसार परिवर्तन हो, वचन के अनुसार परिवर्तन हो या फिर कारक के अनुसार परिवर्तन हो। तो तीनों के अनुसार परिवर्तन होना ही विकारी रूप कहलाता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इन तीनों का ही विकार, मतलब इन तीनों में ही परिवर्तन आवश्यक है, तभी हम उसको विकारी शब्द कह सकते हैं। और विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण कभी भी पूछे जाए तो ये चारों ही शब्द किसमें आते हैं, विकारी में आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आप भले तो जग भला, इस वाक्य में जो आप है वो किस सर्वनाम का उदाहरण है, आप कौन सा सर्वनाम होगा, आप में सर्वनाम का कौन सा भेद होगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए निजवाचक सर्वनाम, बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। इसमें जो प्रश्न आपको दिए हैं, आप भले तो जग भला, इस वाक्य में जो आप है, इस वाक्य में आप पूछा है कि कौन सा सर्वनाम का कौन सा भेद होगा, जल्दी से बताइए। तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हम तुम या आप की बात कर रहे होते हैं तो ये दोनों ही किसमें जाते हैं, पुरुषवाचक में जाते हैं, किसमें जाते हैं, पुरुषवाचक के भेद में आते हैं। लेकिन पुरुषवाचक के भी तीन भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक के कौन से भेद में, उत्तम पुरुष में वो आता है जब मैं या मेरी बात हो रही होती है, और मध्यम पुरुष में श्रोता की बात हो रही होती है जिसमें तुम या आप शब्द आते हैं, और अन्य पुरुष में कोई अन्य आते हैं। तो जैसा कि आप सभी समझ पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपसे पूछा है कि जो आप शब्द है वो किसका उदाहरण है, तो ये मध्यम पुरुषवाचक का ही उदाहरण है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि जो आप शब्द है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि संबंधवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है, जैसा वैसा, जो सो, जैसे को तैसा या फिर सभी संबंधवाचक हैं, या फिर सभी संबंधवाचक हैं। जल्दी से बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। और हम सर्वनाम का फर्स्ट पार्ट, सर्वनाम का फर्स्ट पार्ट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसने भी डिटेल में वो सर्वनाम का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो प्लेलिस्ट पे जाके फर्स्ट पार्ट चेक करिए और उसके बाद सेकंड पार्ट आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो जिसमें पूछा है कि संबंधवाचक सर्वनाम, और हम पहले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं कि सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो टोटल 6 भेद होते हैं, कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सभी सर्वनाम होते हैं। तो आपसे पूछा है कि जो संबंधवाचक है वो किस भेद का उदाहरण है, या संबंधवाचक में कौन सा उदाहरण बिल्कुल सही होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये दोनों ही, ये तीनों ही शब्द एक दूसरे पे संबंध दर्शा रहे हैं, एक दूसरे पे संबंध दर्शा रहे हैं, मतलब
दोनों शब्द एक दूसरे पे डिपेंडेड हैं। कैसे हैं? डिपेंडेड हैं। तो ये तीनों ही शब्द कैसे होते हैं? ये तीनों ही शब्द संबंधवाचक के उदाहरण हैं। ये तीनों ही शब्द संबंधवाचक के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये सभी शब्द संबंधवाचक के ही उदाहरण हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि कोई बैठा है, कोई बैठा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? कोई बैठा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो रेखांकित शब्द आप देख पा रहे होंगे कि जो कोई है वो रेखांकित शब्द है। कोई रेखांकित शब्द है। आपको बताना है कि जो कोई है वो किस भेद का उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो जो कोई शब्द है, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा कि जो कोई शब्द है वो हमें पता नहीं है कि कोई किसकी बात की जा रही है। ना ही किसी व्यक्ति का नाम दिया है, ना ही किसी वस्तु का नाम दिया है। और ध्यान रखिए कि जो कोई और कुछ शब्द होते हैं, कोई हमेशा सजीव के लिए प्रयोग होता है, कुछ हमेशा निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। मतलब कोई वस्तु है तो वो कुछ में आती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है तो वो कोई में आता है। लेकिन हमें यहाँ पर किसी का भी प्रॉपर नेम नहीं दिया गया है कि कोई जो है वो किस में आएगा, किसी का भी नाम नहीं पता है। तो जो कोई है वो इसमें से कोई भी सर्वनाम नहीं होगा, ना ही भी प्रश्नवाचक है, ना ही ये निजवाचक है और ना ही ये संबंधवाचक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि जो कोई है वो इनमें से कोई नहीं है। तो जो कोई है वो किस सर्वनाम का उदाहरण है? कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसका? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कोई शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि इनमें से दिए गए ऑप्शंस में कोई भी इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि उसे मत मारो, अपने आप ही चला जाएगा। उसे मत मारो, अपने आप ही चला जाएगा। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित शब्द में जो रेखांकित शब्द है वो अपने आप को रेखांकित किया गया है। इसे बताना है कि कौन से सर्वनाम का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम और डी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आशा है कि जो डेली एमसीक्यूज की सीरीज आपके लिए लाई जा रही है वो आप समझ पा रहे होंगे, इजीली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे और डेली प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप अपने आप में सुधार देख रहे होंगे। तो जैसे ही आप पिछली वीडियोस नहीं देखी हो, वीडियोस को देखिए और अपनी पढ़ाई को और भी ज्यादा मजबूत करिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का आपसे उदाहरण पूछा है कि अपने आप किस उदाहरण का भेद होगा। तो जो अपने आप, कभी भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में अपने आप स्वयं, अपने आप स्वयं, स्वतः, इस तरह के शब्द दिख जाएं, ऐसे शब्द दिखें, तो ये सभी शब्द आपके निज का बोध कराते हैं, निजता का बोध कराते हैं। निजता, निजता मतलब कि कोई भी ऐसा कार्य है जो खुद ही कर लिया जा रहा है, खुद ही कर लिया जा रहा है, तो ऐसे शब्द निजता का बोध कराते हैं। इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि जो अपने आप है वो अपने आप निजवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण होगा। अपने आप निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि जो करेगा सो भरेगा, दिए गए वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? जो करेगा सो भरेगा, दिए गए वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शंस दिए हैं आपको, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में भी देखा कि कहीं पर हमें जो, जो या सो जैसे शब्द मिल जाएं,
जो या सो जैसे शब्द मिल जाए, जैसा जैसा तैसा जैसे शब्द मिल जाए, तो ये सभी शब्द एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर आधारित होते हैं और एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर संबंध पुरुष संबंधवाचक सर्वनाम होता है, कौन सा होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी, अगर यहीं पर आपसे एक शब्द उदाहरण और पूछाता है कि जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसमें जैसी और वैसी दो ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे पर आधारित हैं, मतलब एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आशा है आप सभी समझ पा रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, यहाँ पर क्या शब्द जो है वह बताना है कि कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे कि हम सभी देख पा रहे हैं कि जो क्या शब्द है, क्या क्या शब्द है, ये शब्द क्या शब्द जो है वो हमें किसी भी तरह से पुरुषवाचक का भेद नहीं बता रहा है, तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा। क्या शब्द से हमें निजता का भी पता नहीं चल रहा है कि किसकी बात हो रही है, तो निजवाचक भी सर्वनाम नहीं होगा। फिर अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब क्या है हमें नहीं पता, पता नहीं है कि किस व्यक्ति की या किसी वस्तु की, किस चीज की बात की जा रही है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम भी नहीं होगा। तो ये जो क्या शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी जो क्या शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम होगा, इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शंस आपको दिए हैं, चार वाक्य दिए गए हैं जिसमें आप घर जाइए, आपकी पुस्तक कहाँ है, आप जाने आपका काम, आप अपना काम स्वयं कर लीजिए, आप अपना काम स्वयं कर लीजिए। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा कि कहीं पर भी अपने आप स्वयं स्वयं स्वतः ये सारे शब्द होते हैं, तो ये सभी शब्द किस में आते हैं, निज में आते हैं, मतलब निजता का बोध कराते हैं, किसका, निजता का बोध कराते हैं, और ऐसे शब्द निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि जो आप अपना काम स्वयं कर लीजिए, आप अपना काम स्वयं कर लीजिए, इसमें स्वयं शब्द जो है वो निजता का बोध करा रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन नंबर डी में निजवाचक सर्वनाम होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि यह किताब अच्छी है, यह किताब अच्छी है, इस वाक्य में यह क्या है, यह पूछा है कि जो यह शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है। जल्दी से बताइए कि जो यह शब्द है वो क्या है, और इसके साथ ही आपको ये भी बताना है कि वो भेद कौन सा है, भेद कौन सा है, किस भेद का उदाहरण है यह शब्द जो आपको दिया गया है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आपको एक वाक्य दिया गया है, इसमें यह किताब अच्छी है, जो किताब है वो निश्चित है कि इसी किताब की बात हो रही है, निश्चित है कि यह किताब, मतलब ऐसा नहीं है जो कि यह किताब उपस्थित ना हो, तो यह किताब मतलब किसी निश्चित वस्तु की बात की जा रही है, तो यहाँ पर सर्वनाम होगा। क्या होगा, यह जो है वो सर्वनाम है, यह वह, हम सभी जानते हैं कि ये सब सर्वनाम के ही भेद होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम होगा, तो फिर यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम
निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमको दिया गया है कि इनमें से किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है, मतलब तीन ग्रुप्स दिए गए हैं हमें और इन ग्रुप्स में ऐसा ढूंढना है कि जहां पर सभी सर्वनाम के उदाहरण जो है वो प्रश्नवाचक होने चाहिए। जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है कौन, क्या या किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर या उनकी। जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सभी उदाहरण प्रश्नवाचक के ही भेद हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे होंगे आप, इसमें कौन भी एक तरह का प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है, क्या भी एक तरह का प्रश्नवाचक है और किसने भी एक तरह का प्रश्नवाचक है, जिसमें जो, कोई, वह, ये किसी भी प्रकार का किसमें सभी शब्द जो है वो प्रश्नवाचक के भेद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए जिसमें कौन, क्या और किसने, ये सभी प्रश्नवाचक के भेद होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ही ना हुआ हो। निम्नलिखित वाक्य में उसे और जिसे, उसे और जिसे, उसे और जिसे किस प्रकार के सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जल्द से बताइए कि उसे और जिसे दो शब्द आपसे यहाँ पे पूछे हैं कि जो उसे है और जिसे किस सर्वनाम के भेद होंगे या किस सर्वनाम के उदाहरण होंगे। तो जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही शब्द एक दूसरे पर आधारित हैं और एक दूसरे से संबंध दर्शा रहे हैं। ऐसे सर्वनाम कहीं पर भी मिलते हैं तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे शब्द जो एक दूसरे पर आधारित हो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। आते हैं अगले प्रश्न। इसमें जैसा कि हमने देखा कि पिछले वीडियो में एक पार्ट फर्स्ट बना था और पार्ट फर्स्ट में हमने सर्वनाम के सभी प्रश्न डिस्कस किए और इसी के साथ ही आज के वीडियो में हमने सर्वनाम का पार्ट सेकंड डिस्कस किया, जिसमें आने वाली परीक्षा के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के साथ साथ हमने डिटेल्स वाइज भी देखा कि कितने भेद होते हैं, कितने सर्वनाम शब्द होते हैं। तो आशा है आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। क्लासेस की ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस के लिए इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग मोर डिटेल्स। थैंक यू।